हेलो स्टूडेंट, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन। और ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन में जो टॉपिक है वो है कमेंसलिज। कमेंसलिज में क्या है, एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसके, बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है ना। इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, जब इंटरेक्शन होगा टू स्पीसीज के बीच में तो क्या होगा, एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा जबकि अदर स्पीसीज को क्या होगा, नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। ना उसे बेनिफिट होगा ना ही कोई हानि होगी, ठीक है, या हार्म होगा। क्लियर है, एक स्पीसी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। मान सकते हैं ये हमारे पास दो स्पीसी ए एंड बी, एक को क्या होगा, बेनिफिट होगा, एक को ना ही क्या होगा, हानि होगी कोई, ना ही कोई लाभ होगा या कोई ना बेनिफिट, नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। क्लियर है, इसमें दे रखा है कमेंसलिज इज रेफर टू एज द इंटरेक्शन। कमेंसलिज में जो होता है एक इंटरेक्शन है किसके बीच में, टू स्पीसीज के बीच में, जहां एक स्पीसीज वन स्पीसीज बेनिफिटेड, एक स्पीसीज को क्या होता है, लाभ होता है, एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, जबकि दूसरी स्पीसीज को ना ही कोई हार्म होता ना ही बेनिफिट होता। क्लियर है, हम वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑर्किड्स और मैंगो ट्री, ठीक है। ऑर्किड्स है और मैंगो ट्री है, ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स है, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री पे ऑर्किड्स जो होता है वो ग्रो करता है। क्लियर है, जब जब वो ग्रो करता है एपिफाइट्स ऑफ मैंगो ट्री पर, तो क्या देखने मिलता है, ऑर्किड्स को बेनिफिट होता है जबकि मैंगो ट्री को नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। क्लियर है, ना उसे बेनिफिट होता है मैंगो ट्री को, ना कोई क्या होता है, हानि होती, ठीक है ना। देखते हैं, एन ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री पर वो ग्रो कर रहा होता है, द ऑर्किड्स गेट शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। उससे क्या लेता है, वो शेल्टर और न्यूट्रिशन लेता है। क्या करता है, उससे शेल्टर और न्यूट्रिशन लेता है, किससे, मैंगो ट्री से, ठीक है ना, कौन, ऑर्किड्स। ऑर्किड जो कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, किस पर, मैंगो ट्री पर, तो वो उस मैंगो ट्री से क्या लेता है, शेल्टर और न्यूट्रिशन लेता है, जिससे क्या होता है, उस मैंगो ट्री को कोई ना तो हानि होती ना कोई लाभ होता, लेकिन ऑर्किड्स को क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है, या बोल सकते हैं लाभ होता है, ठीक है। इसमें दे रखा ऑर्किड गेट शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम मैंगो ट्री व्हाइल द मैंगो ट्री इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। दे रखा है ना, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, जबकि मैंगो ट्री को कोई हानि कोई लाभ नहीं होता, जबकि उसे क्या होती है, ऑर्किड्स को लाभ होता है। क्यों, क्योंकि वो उसे न्यूट्रिशन लेता है, उसे शेल्टर करता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल बर्नाकल्स। बर्नाकल्स क्या होता है, एक टाइप का ऑर्थोपोड्स होता है, जो क्रस्टेशियन होता है, जो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। वो बर्नाकल्स जो होता है किस पर ग्रो करता है, बैक ऑन द वेल, वेल की बैक पर ग्रो करता है। और बर्नाकल्स का नाम मैंने बता दिया, क्या होता है, एक तरह का बोल सकते हैं आप ऑर्थोपोड होता है, ऑर्थोपोड्स जो क्या है, मरीन वाटर में या ओशन वाटर में ग्रो कर रहा होता है। क्लियर है, इस तरीके से बर्नाकल्स जो होता है उसको क्या होता है, जब वेल की बॉडी पर जब वो ग्रो कर रहा होता है, किसकी बॉडी पर, वेल की बॉडी पर जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो उस टाइम आप क्या देखोगे कि बर्नाकल्स को तो बेनिफिट होता है, जबकि उसको ना कोई बेनिफिट होता ना ही उसे कोई हार्म होता है। क्लियर है, रिपीट कर रहा हूँ, बर्नाकल्स जो होता है वो ग्रो करता है, किस पे ग्रो करता है, रिपीट कर रहा हूँ, बर्नाकल्स है वो ग्रो करता है, किस पे ग्रो करता है, वेल की बैक पर। तो बर्नाकल्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता, नरिशमेंट ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जबकि उसको क्या होता है, वेल को ना ही कोई हानि होती ना कोई लाभ होता है, नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। देखते हैं बर्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑन वेल, बर्नाकल्स आर बेनिफिट, बर्नाकल्स को क्या करता है, बेनिफिट होता है टू मूव टू लोकेशन फॉर फूड, ठीक है ना, इसमें हेल्प मिलती है भोजन की प्राप्ति करने में, एज वेल एज शेल्टर में भी हेल्प मिलती है, जबकि वेल को ना तो कोई हानि होती ना ही कोई क्या होता, फायदा होता, ठीक है ना, नॉर बेनिफिट या नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। इज दैट क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल है इसका एग्रेट और कैटल का, एग्रेट्स और कैटल का, कैसे, आपको पता है जहां पर पशु चरने वाले होते हैं, कैटल चरने वाले जो होते हैं, तो वहीं पर बगुले पाए जाते हैं, एग्रेट्स बगुले पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है चारा चरने वाले जानवर होते हैं वहीं पर बगुले पाए जाते हैं उसके आसपास। क्यों,
क्योंकि जब वो बगले चारा चर रहे होते हैं, मतलब कि कौन पशु या कैटल जो चारा चर रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं वेजिटेशन से झगड़ा टकराते, वेजिटेशन से जब हिलाते हुए चलते हैं, वेजिटेशन क्या करते हैं वो हिलाते हुए चलते हैं, जब वेजिटेशन को हिलाते हुए चलते हैं तो उनसे क्या होता है इंसेक्ट निकलते हैं, उनसे क्या होते हैं इंसेक्ट, जब कोई उस रास्ते से निकले झाड़ियों से जब निकलेंगे वेजिटेशन से निकलेंगे कैटल, तो वहां पर क्या होंगे वो उनकी बॉडी जब टकराएगी तो वहां से इंसेक्ट निकलेंगे, और इंसेक्ट को कौन करता है, कौन खाता है, बगुला खाता है या एग्रेट्स खाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से एग्रेट जो होता है उसको फायदा होता है, जबकि कैटल को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, इसलिए कमेंसलिज्म का एग्जांपल है कौन, ये एग्रेट्स एंड कैटल। ना कैटल तो अपना चारा चरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उस जब कैटल से फायदा क्या हुआ, कैटल से इनको एग्रेट से एग्रेट्स को ये फायदा हुआ कि जो कैटल था उसने वेजिटेशन को हिलाया, वेजिटेशन जब निकल रहा है खा रहा है चारा, तो वहाँ वेजिटेशन हिल रही है, उससे इंसेक्ट निकल रहे हैं, उसको कौन खा रहा है एग्रेट से बगला खा रहा है, ठीक है ना, उसको बगले को तो फायदा हो गया, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है किससे, उससे ना कोई किसको कैटल को ना तो कोई हानि हुई उस चीज से ना कोई नुकसान हुआ। एग्जाम्पल एग्रेट्स आर इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ ग्रेजिंग कैटल, वो बहुत ज्यादा क्लोज उसके पास आ जाते हैं ग्रेजिंग कैटल के पास, कैटल एग्रेट्स आर बेनिफिटेड बाय द कैटल, जो कैटल के पास जो पाए जाने वाले बगले जो होते हैं उन्हें क्या होता है कैटल से बेनिफिट होता है कैटल के द्वारा, क्यों, क्योंकि डिटेक्ट द इंसेक्ट, वो क्या करते हैं कैटल क्या करते हैं डिटेक्ट द इंसेक्ट, ठीक है ना, बिकॉज कैटल स्पीड ऑफ द बसेस एंड इंसेक्ट आर द फ्लश आउट, क्या जब झाड़ियों से वो टकराते हैं हिलाते हैं झाड़ियों को कौन कैटल जो हिलाते हैं, तो उनसे क्या होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं बाहर की तरफ निकलाते हैं वेजिटेशन से, जिसके कारण क्या होता है डिटेक्ट बाय कैटल एग्रेट, जिसके कारण क्या होता है उनके द्वारा कैटल एग्रेट के द्वारा वो पहचान लिए जाते हैं, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सी एनिमोन और एक फिश है, उसका नाम फिश का नाम है क्लाउन फिश, क्या नाम है क्लाउन फिश, क्लाउन फिश, और आप सी एनिमोन में देखोगे तो क्या देखने मिलेगा, क्लाउन फिश जो होती है वो जो सी एनिमोन के टेंटाकल्स होते हैं, 11th पढ़ा होगा सी एनिमोन, ठीक है, उनके क्या होते हैं इस तरीके से टेंटाकल्स होते हैं निकले हुए चारों तरफ, उनमें क्या होते हैं टेंटाकल्स में वो छिप जाती है कौन क्लाउन फिश, जिसके कारण वो अपने आप को प्रीडेटर से बचाती है, क्या करती है प्रीडेटर से बचाती है, तो फायदा किसको हुआ क्लाउन फिश को, ठीक है ना, वहां पर वो क्या होती है वहां पर प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर जाती है अपने आप को, जबकि सी एनिमोन को ना कोई फायदा ना कोई हानि, नॉर बेनिफिट या नाइदर बेनिफिट नॉर हार्ड। इसमें क्या होता है कमेंसलिज्म इज आल्सो फाउंड बिटवीन, कमेंसलिज्म जो देखने को और कहां देखने को मिलेगा सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बीच में, जहां पर फिश जो होती है प्रोटेक्टेड होती है फ्रॉम द प्रीडेटर एंड सी एनिमोन, ठीक है ना, प्रीडेटर से जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, नाइदर बेनिफिट नॉर हार्ड, इसलिए उसे ना कोई बेनिफिट होता ना कोई हानि होती, ठीक है ना हानि हार्ड होता, क्लियर। आपने चार एग्जाम्पल पढ़े, याद रखना पूछ लिया था कौन कौन से एग्जाम्पल किस कमेंसलिज्म के, एक ऑर्गेट्स और बैगमोट्री का था, सेकेंड एग्जाम्पल बर्नाक्यूल्स वेल का था, थर्ड एग्जाम्पल एग्रेट्स एंड किसका कैटल का था, और चौथा एग्जाम्पल आपका फिश एंड सी एनिमोन का था, क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन का, इज दैट क्लियर, ये यहाँ पर आपका कमेंसलिज्म कंप्लीट होता है।